Galileo, in his book Two New Sciences, stated that for elevations which exceed or fall short by 45 degrees by equal amounts, the ranges are equal. Prove this statement. क्या है statement? क्या statement है? कोई projectile अगर हम लोग throw कर रहे हैं, इस तरह से जाएगी है ना, तो एक एंगल है 40 एंड एक और दूसरी प्रोजेक्टाइल है जो थोड़ा सा ऊपर यूं जा करके वापस यहीं पे आती है। दो अलग अलग एंगल से रेंज सेम आ रही, दो अलग अलग एंगल से रेंज सेम आ रही है। गैलीलियो ने ऐसा कहा था, ऐसा तभी होगा जब एक एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा होगी एंड दूसरी एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा होगी। गैलीलियो के लिए हो सकता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट हमारे लिए तो बहुत सिंपल चीज है, हमें बता के जा चुके हैं वो लोग। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? रेंज v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g होता है, ये क्या हो जाएगा? रेंज वन अगर इसके लिए निकालते हैं तो आर वन क्या होगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस 2 थीटा के बराबर होगा। एंड आर टू क्या होगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 2 थीटा होगा, जो कि फिर से हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस 2 थीटा। ये दोनों बराबर होंगे। एकदम सिंपल है, हमारे लिए एकदम सिंपल है। गैलीलियो के पास इतना सारा सीधा सीधा फॉर्मूला डिराइव किया हुआ नहीं था, इसलिए उसके समय में यह मुश्किल हुआ करता था, अभी तो बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, A man can swim with a speed of 4 km/h in still water. How long does it take to cross a river 1 km wide if the river flows steadily at 3 km/h and he makes strokes normal to the river current? दूसरा पार्ट है, how far down the river does he go when he reaches the other bank? क्या है ये? मान लो हमारी नदी है, ये रिवर है, ठीक है रिवर। अब मैं रिवर को ब्लैक से बना दिया, अपनी ड्राइंग सब दूसरे कलर से बनाऊंगा। 4 km/h के 4 km/h की स्पीड से इसमें एक आदमी स्विम कर सकता है। ये जो है ये 4 km/h की स्पीड से स्विम कर रहा है, ठीक है। और क्या दिया है? रिवर फ्लोस एट द स्पीड ऑफ 3 km/h, रिवर की स्पीड 3 km/h इधर है, रिवर की स्पीड ये है। दोनों के नाम मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर। और क्या दिया? ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। रिवर करंट अगर इधर जा रहा है, रिवर करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैन इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग डस इट टेक टू क्रॉस द रिवर। बहुत ही सिंपल है, ये हमें दिया हुआ है 1 km वाइड रिवर है, ये 1 km वाइड रिवर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वाई कॉम्पोनेंट में अगर ब्रेक कर दिया तो कुछ नहीं रखा है, बना दो हम लोग का। ये एक्स और वाई एक्सिस है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, जो किसके बराबर है? 4 km/h। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है, जो किसके बराबर है? 3 km/h। डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना है? 1 km अलोंग द वाई एक्सिस। और उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस में रिवर की वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में मैन की वेलोसिटी है। मैन की वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, रिवर की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है। हाँ, नाउ व्हाट, वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन तो 0 1, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि कितना है 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। As simple as that, 15 minutes। अगर सारे नंबर्स को सही से बैठा दिए तो एकदम सही से आंसर आ जाएगा। एंड देख लो, यहाँ पे देख लो, नोटिस करने की बात है, बाई चांस अगर गलती से वी एक्स से डिवाइड कर दिया ना, अगर तुमने ऐसा कर दिया डी इजिकल टू टाइम इजिकल टू डी ऑफ वाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 अगर कर दोगे, 1/3 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट्स, बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा एंड ये गलत निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही जो गलत आंसर्स हैं ऑप्शंस में वो जरूर रहते हैं। ओके, सो ये पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ फार डाउन द रिवर डस ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। डी एक्स निकालना है हमें, रेड नहीं, अब हमें ब्लैक ब्लू पेन से लिखना है। dx जब यह यहाँ पर पहुंच जाएगा, आदमी जब यहाँ से चल के इस पार पहुंच जाएगा, कितनी दूर पहुंच गया होगा। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी 3 किलोमीटर है, टाइम 1/4 है, 3/4 किलोमीटर्स या 0.75 किलोमीटर्स। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। So simple question, so simple answer also। अगर x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट में कंफर्टेबल हो, वेक्टर को रिसॉल्व कर सकते हो, तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। वेक्टर को रिसॉल्व करने में परेशानी है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो क्वेश्चन नहीं बनेगा। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन हार्बर wind is blowing at a speed of 22 km/h and the flag on the mast of a boat is anchored in the harbor flutters in the northeast direction। northeast direction में wind blow कर रही है, मतलब northeast direction किधर होगा, this direction, north of east। ओके, ये हमारा east direction इधर होगा, north ऊपर की ओर होगा, ईस्ट नॉर्थ, देखो सारे डायरेक्शंस लगा देने हैं। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट में यह ब्लो कर रहा है। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 km/h द नॉर्थ, बोट अगर 51 km/h की स्पीड में नॉर्थ की तरफ जाने लगती है, बोट की स्पीड यदि ये हो गई, ये बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में है, विंड की स्पीड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन देना है। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, 72 km/h, ये तो था टोटल वेलोसिटी। एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक करेंगे तो कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री लगाना होगा। 72 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 72 साइन 45 डिग्री जे कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई square root 2 आई कैप प्लस जे कैप। यह वेलोसिटी ऑफ विंड है। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, 51, ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 51 जे कैप, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, है ना। विंड की स्पीड एंड बोट की स्पीड ऐड हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 72 डिवाइड बाई square root 2 72 divided by square root 2 is equal to 36 into square root 2. 36 into 1.4, 14 5 is 70, 14 6 is 84, 8 carry, 14 6 is 42 and 8. 50.4, इसको approximately मैं 51 ले लूँ. 51 i cap plus 51 j cap. ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 102 i cap plus 51 j cap. अब हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. मान लो कुछ इस डायरेक्शन में, ऑफकोर्स इससे ऊपर हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा डायरेक्शन. ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, तो एंगल क्या आएगी इसकी, tan थीटा इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इसमें, ओ उल्टा कर दिया मैंने, फिफ्टी वन आई कैप प्लस 102 जे कैप आएगा. tan थीटा क्या आ गया, 102 डिवाइड बाई 51 डेट इज इक्वल टू 2. थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ, ओके कोई मुश्किल नहीं था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. वुमेन राइड्स अ बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन. What is the direction in which she should hold her umbrella? रेन नीचे की तरफ ऐसे गिर रही. सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया तो कहानी कंप्लीट है. रेन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है. एंड वुमेन की स्पीड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. मान लो अब यह है नॉर्थ टू साउथ, एक्चुअली होना चाहिए था ऊपर से नीचे की तरफ ही, लेकिन ऊपर से नीचे तो हम लोग को रेन को दिखाना ही पड़ेगा, रेन को इधर दिखाना ही पड़ेगा. तो यह नॉर्थ टू साउथ इस तरफ मान लो. रेन की स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, वुमेन की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है. सीधा सीधा एंगल निकाल देना है. एंगल कौन सा निकालना है, यह एंगल ऐसा ही आएगा, आएगा ना. ये एंगल वर्टिकल से कितना एंगल बनना है इसको निकाल देना है. थीटा क्या होगा, सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10 या 3. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3. तो वुमेन शुड होल्ड द अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल. वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा डिग्रीज की तरफ उसको होल्ड करना है. किस डायरेक्शन में थीटा से, ये भी बता सकते हैं हम लोग. नॉर्थ टू साउथ यह डायरेक्शन है, साउथ की तरफ यह है डायरेक्शन. तो अम्ब्रेला विल बी फेसिंग वाच द नॉर्थ, है ना. वर्टिकल से नॉर्थ की तरफ अम्ब्रेला को फेस करवाना. रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रहेगा, ऑपोजिट इसका. Next question. Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? फिर से सेम क्वेश्चन है. रेन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस बार वुमेन किधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट ऐसा होता है, दिस डायरेक्शन. रेन की स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, वुमेन की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड. रिजल्टेंट जो आएगा डायरेक्शन उसका कुछ ये होगा, ये एंगल थीटा, यही थीटा निकालना है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 डिवाइड बाई 35. ओके, बस इतना ही है. एट एन एंगल थीटा ईस्ट ऑफ वर्टिकल. वुमेन वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ जा रही है, बारिश की बूंद ऊपर से आ रही है, ये पीछे छूटती जाएगी, तो अम्ब्रेला इसको इस डायरेक्शन में फेस करवाना होगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। ओके, बाय।